हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गार्डनिंग माय लव। देखिए, आज मैं आपकी उन बिग मिस्टेक्स की बात करने जा रही हूँ जो न्यू गार्डनर्स ज़्यादातर करते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए, जो ध्यान रखने की बातें हैं। जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है। सबसे पहली बात करते हैं हम पेशेंस की। देखिए, जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि हमें लगता है कि वो जल्दी से बहुत जल्दी से ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। हमें लगता है 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, हमें उसमें कोई ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रही है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इतनी जल्दी कभी भी कोई पौधा ग्रोथ नहीं करता है। 4-5 दिन, 10 दिन, 10 दिन तक तो नए पौधे को सेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नया पौधा लाते हैं, नया पौधा तो अक्सर 5 दिन में तो वो रखना ही चाहिए हमें। 5 दिन उसको अपने गार्डन में और पौधों के बीच में रखना है ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, उसको सॉफ्ट लग जाता है जब हम नया पौधा लाते हैं। तो दूसरी बात है, उसको 5 दिन बाद हम चेंज करेंगे और चेंज करने के भी 10 दिन बाद तक हमें उसमें कोई रिज़ल्ट, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। हम बस इतना उसका ध्यान रखें कि 4-5-10 दिन में तो कम से कम वो सेट हो जाए कि हमें मरता हुआ नज़र ना आए। ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन वो मरता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। लेकिन महीने के बाद कम से कम 1 महीना आप दें, उसे टाइम दें। हमें अपने मन पर पेशेंस रखना है। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सबसे पहले सीधे गार्डन में जाते हैं और देखते हैं कि आज कितना बड़ा हो गया, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कभी भी हमें इतना ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं रखनी है। देखिए, ये मेरा प्लांट है, मैं आपको इसका एग्जांपल बता देती हूँ। ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है और ये मैंने जुलाई में इसका बीज लगाया था। केवल एक एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने इसे जुलाई में ही लगा दिया था। जैसे ही 3 दिन की बारिश हुई, मैंने बीज लगा दिया। फिर क्या हुआ, जुलाई में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन मुझे लगा कि अब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा और मैंने बीज लगा दिया। और फिर क्या हुआ कि 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बहुत अच्छी धूप पड़ी, बहुत तेज़ गर्मी पड़ी और मेरे सारे बीज सूख गए, लेकिन मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा ऑप्शन आता है कि हमें अपने पौधों को डिस्टर्ब नहीं करना है ज़्यादा। मैंने ये बीज लगाया, मुझे लगा सब बीज ख़त्म हो गए, ख़राब हो चुके हैं, अब नहीं ग्रोथ करेंगे, लेकिन बारिश स्टार्ट हुई, 2 हफ्ते तक ये बीज पड़ा रहा। बारिश स्टार्ट हुई, कम से कम इसको आने में 1 महीना लग गया। 1 महीने में इस बीज ने थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आई। 1 महीने तक मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हमें अपने पौधे को टाइम देना है। बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो हमें उसको टाइम भी देना है। हमें उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये नहीं कि अब तो इसमें बीज ख़राब हो गए, नहीं आएंगे तो हम इसमें दूसरा बीज लगा देते हैं। देखिए, इस वाले पौधे ने मेरा बहुत टाइम लिया है, इस बीज ने 1 महीने बाद कम से कम, बल्कि और ज़्यादा ही हो सकता है, तो इतने में टाइम में ये आया। और उसके बाद भी हमारे घर में एक चूहा आ गया, तो जो थोड़ी सी ग्रोथ हुई वो हमारा चूहा खा गया। तब भी मेरा मुझे लगा कि अब तो गया ये, अब तो बचने वाला नहीं है, अब तो ख़त्म। लेकिन फिर भी बारिश के दिन चल रहे थे तो ये फिर से स्टार्ट हो गया और थोड़ी सी ग्रोथ हुई। और धीरे धीरे देखिए, इसमें अब इतनी ग्रोथ हुई है सिर्फ। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर हुआ, दिसंबर में 4 महीने में इसने इतनी ग्रोथ की है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ इतने महीने में इतनी ग्रोथ की थी। उसके बाद आ गया डोरमेंसी टाइम, ये बिल्कुल स्टॉप हो गया। और मैंने इसको बचाने की कोशिश की बहुत सर्दियों में कि ये ख़राब ना हो। तब भी मुझे लग रहा था कि अब तो इसका डोरमेंट टाइम आ चुका है, तब तो ये बचने वाला नहीं है, लेकिन ये फिर भी बच गया। अब देखिए, नया सीज़न आया है, अब इसमें न्यू ये स्टेम, ये पत्ती आई है, ये वाली, ये दिखाती हूँ, ये वाली, ये छोटी सी आई है, नन्ही सी, ये पत्ती अब आई है इसमें। अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें पेशेंस ज़रूर रखना है और हमें पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरी बात ये है, और हमें इतना एक्साइटमेंट नहीं रखना है कि अगर ये पौधा, हमने सोचा कि ये इस पॉट में बढ़ नहीं, ये पौधा अगर इतना बढ़ नहीं रहा है तो हम इसे जल्दी से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको टाइम देना है, अपने अंदर इतना एक्साइटमेंट नहीं रखना है पौधे के प्रति। बट पौधे अपने, ये समझ लीजिए कि पौधे बच्चे की तरह बढ़ते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आती है, तो इसलिए
और ऐसा भी नहीं है कि सभी स्लो बढ़ते हैं, जो अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं अच्छे से वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर जो स्लो बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको छेड़िए मत, डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि ना ज़्यादा, कि ऐसा भी मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पानी दूँ या खाद दूँ या इसका पॉट चेंज कर दें तो हम उसकी उसे हमें इस तरह से परेशान नहीं करना है। दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ कि हमें उस पौधे के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी है। YouTube पे बहुत चीज़ें आती हैं, तो YouTube से आप देख सकते हैं किसी भी प्लांट के बारे में, और उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए कि उसके बारे में मतलब उसकी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, और तब हम उस प्लांट को ट्रीट करेंगे, तभी हमारा पौधा ग्रोथ कर पाएगा। और ये देखिए दूसरा प्लांट है मेरा मिर्च का, ये भी डोरमेंट हो गया था, इसमें भी केवल 4-5 पत्तियाँ थी, उसके बाद नहीं थी, लेकिन आप देखिए अब ये बहुत स्पीड से, थोड़ा सा मुझे 2 दिन में इसकी बहुत स्पीड से ग्रोथ नज़र आई है। लेकिन मैंने इन्हें छेड़ा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मर जाएंगे, लेकिन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया इसको बिल्कुल भी। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, ड्रेनेज सिस्टम का हमें बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह से हम लोगों को डेली खाना खाना होता है, डेली फ्रेश होना है, डेली खाना खाना है, तो उसी तरह से ये पौधे भी होते हैं। हम अगर ये सोचें कि हमें इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है तो हमें इसकी मिट्टी मतलब गीली रहनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। मिट्टी सूखनी भी ज़रूरी है, मिट्टी सूखेगी फिर आप पानी देंगे, फिर मिट्टी सूखेगी फिर अगर पानी देंगे, ये सिस्टम अगर पौधे में बन रहा है, चल रहा है, मिट्टी सूखने का प्रोसेस भी बन रहा है, तो समझिए आपका प्लांट सही से चलेगा। और अगर किसी प्लांट में ऐसा है कि उसकी मिट्टी सूख ही नहीं रही है, तो हम क्या सोच लेते हैं कि सही है पानी भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही ठीक है, नहीं, वो बहुत गलत है। अगर किसी प्लांट की मिट्टी बिल्कुल भी सूख ही नहीं रही है, 4-5 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, तो आप उस चीज़ को नोटिस करिए। मिट्टी अगर नहीं सूख रही है तो प्लांट आपका मर जाएगा, उसमें प्लांट में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। मेरे घर में भी एक गमला है, बड़ा पॉट है, उसमें मैंने कितने प्लांट लगा लिए हैं, लेकिन वो उसमें एक भी प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि उसकी मिट्टी कभी सूखती ही नहीं है। उसका ड्रेनेज होल भी चेक कर लिया मैंने, सब कुछ देख लिया, लेकिन उसकी मिट्टी कभी नहीं सूखती है, अब भी नहीं सूख रही है ड्रेनेज होल के बाद भी। उसमें कोई पौधा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कोई पौधा चलता ही नहीं है। अब उसकी मिट्टी चेंज करी जाएगी, क्योंकि मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो मिट्टी नहीं सूख रही है, उसमें नई मिट्टी लेकर उसमें रेत मिलाकर तब हम उसमें मिट्टी डालेंगे, तब उसमें कोई नया पौधा लगाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी गार्डन में कोई ऐसा गमला है जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं सूख पा रही है, तो आप उस पर नज़र रखिए, चेक करिए, और उसको शिफ्ट करके उस पौधे को, और फिर उसका ड्रेनेज वेनेज सिस्टम तो आप चेक कर लीजिए, ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए ऐसे ही, और तब भी नहीं सूख पा रही है ड्रेनेज होल देखने के बाद भी, तो फिर आपको शिफ्ट करके उसको चेक करना है, वरना वो आपका पौधा जिंदा नहीं बचने वाला है। और इंडोर प्लांट की मिट्टी तो बहुत समय लेती है सूखने में, तो उनकी बात और है, लेकिन सूखनी चाहिए 10 दिन में, 15 दिन में कभी भी, लेकिन मिट्टी ज़रूर सूखनी चाहिए। अगर मिट्टी नहीं सूख रही है तो बिल्कुल गलत है वो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। तो ये, और एक है कंपटीशन, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें लगता है कि हम दूसरे के पौधे तो इतने बड़े हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। वो पौधे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं जो सेट हो जाते हैं मिट्टी में, लेकिन जो पौधे सेट नहीं होते हैं, जैसे कि हम अपने नए नए पौधे लगा रहे हैं, वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, अभी उनको समय लगता है सेट होने में, तो हमें उस चीज़ को कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों के पौधों से। तो आप अपने पौधे लगाते रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए उनको बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे समय लगता है। अगर आपको अपनी बालकनी पूरी जल्दी से भरनी है तो आप ज़्यादा पौधे लाइए, लेकिन ज़्यादा पौधे लाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पौधे लाए और लगा लिए, लेकिन उसमें से आधे मर भी सकते हैं। अगर आप उसको नहीं जानते पौधे के बारे में कि उसको कहाँ रखना है, कैसी कंडीशन में रखना है, धूप में रखना है या छाँव में, तो कहाँ रखना है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज पूरी लें, और तभी हम उस पौधे की केयर करें। ये नहीं कि हमने बहुत सारे पौधे खरीद लिए और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और पौधे आधे से ज़्यादा मरने लग जाते हैं, तो वो करना तो ठीक नहीं है। इसलिए अगर जो भी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो उतने ही पौधे लाएँ जितना उन पर आप फोकस कर पाएँ, जितने में उनकी आप केयर कर पाएँ और उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। YouTube जिंदाबाद, YouTube पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी भी प्लांट के बारे में उसका नाम डालिए, ऑल अबाउट करके लिख दीजिए,
पूरी नॉलेज उस प्लांट के बारे में मिल जाएगी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको सारे पौधे लगाने हैं, हजारों की संख्या में पौधे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सभी पौधे हों। जो हमारे यहाँ अच्छे से चल पाए, जैसी हमारे यहाँ कंडीशन है, धूप कम है तो कम धूप वाले पौधे लगाएँ, ज़्यादा धूप आती है तो ज़्यादा धूप वाले पौधे लगाएँ, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कंपैरिजन ये बिल्कुल ना करें कि उसके पास तो ये प्लांट है तो मुझे भी ये प्लांट लगाना है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसका एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ नहीं है, तो फिर वो तो सेटल नहीं हो पाएगा ना। और जो हमारे यहाँ सेटल हो रहा है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि एक ही पौधा लगाएं कि हमारे पास ये तो एक है तो अब हमें ये नहीं लगाना है दूसरा, ऐसा मत सोचिए। आप एक ही प्लांट के दो पॉट भी बना सकते हैं, तीन पॉट भी बना सकते हैं। हमें तो ग्रीनरी करनी है ना, हमें तो ग्रीनरी से मतलब है, हमारा ग्रीन होना चाहिए गार्डन। और वैसे भी कोई भी अकेला इतना खुश नहीं रह पाता है जब दो लोगों के साथ अच्छे से खुश रह पाते हैं ना, उसी तरह से पौधे भी अगर दो होते हैं एक जैसे तो वो आपस में खुश रहते हैं कि ये मेरी पार्टी का है। तो और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हमारी बालकनी में दो पौधे एक तरह के हैं तो उनको एक पास रखने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर पाते हैं। ये कुछ बातें थीं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आगे भी मैं और चीज़ों के बारे में बताऊँगी। जो कम पौधे रखते हैं जो लोग, उनको फर्टिलाइज़र में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो उनके लिए मैं एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बहुत आसान है, दो दिन में बनाइए और डाल दीजिए। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।